तो सपा कोर कमेटी टीम से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सपा हर लोकसभा क्षेत्र में मैनपुरी मॉडल को अपनाएगी। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सपा का एक नया प्रयोग है। तो हर लोकसभा क्षेत्र में 10-10 युवाओं की कोर कमेटी बनाई जाएगी। कोर कमेटी सीधे प्रत्याशी और प्रदेश मुख्यालय को रिपोर्ट करेगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा कोर कमेटी की टीम से नया प्लान बना रही है। आपको बता दें कि कोर कमेटी सीधे प्रत्याशी और प्रदेश मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट देगी। तो कोर कमेटी से जुड़े युवा बूथवार खुफिया रिपोर्ट तैयार करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको लेकर बैठक कर चुके हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अविनाश जुड़ेंगे और इस पर अधिक अपडेट देंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा कोर कमेटी की टीम से बना रही है नया प्लान। सपा हर लोकसभा क्षेत्र में मैनपुरी मॉडल को अपनाएगी। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सपा का एक नया प्रयोग है। तो हर लोकसभा क्षेत्र में 10-10 युवाओं की कोर कमेटी बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा कोर कमेटी की टीम से नया प्लान बना रही है और हर लोकसभा क्षेत्र में मैनपुरी मॉडल को अपनाएगी सपा। तो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सपा का एक नया प्रयोग है। हर लोकसभा क्षेत्र में 10-10 युवाओं की कोर कमेटी बनाई जाएगी। कोर कमेटी सीधे प्रत्याशी और प्रदेश मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो कोर कमेटी से जुड़े युवा बुधवार खुफिया रिपोर्ट तैयार करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको लेकर पहले ही बैठक ले चुके हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अविनाश कुमार जुड़ चुके हैं। अविनाश, अगर बात करें तो लोकसभा को लेकर सपा जो है एक नया प्लान लेकर आई है। इसके तहत बताया जा रहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 10-10 युवाओं की कोर कमेटी बनाई जाएगी और ये कोर कमेटी सीधे प्रत्याशी और प्रदेश मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट देगी। कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा इस कोर कमेटी से सपा को और किस तरह ये कोर कमेटी काम करेगी? हाँ देखिए उदय, बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में दावा कर दिया है कि वो 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरीके से मजबूती के साथ चुनाव में मैदान में है, और जिस तरीके से सपा हर लोकसभा क्षेत्र में मैनपुरी मॉडल को लेकर अपने जो कोर कमेटी की जो बैठक किया है अखिलेश यादव ने, उसको लेकर जो मैनपुरी मॉडल रहा था उसको लेकर उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में वही मॉडल अपनाया जाएगा, इसको लेकर लगातार अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं। और इसके पहले जो नगर निकाय चुनाव है ये सेमीफाइनल माना जाता है लोकसभा चुनाव के लिए, तो इसको लेकर अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे हैं और बूथ कोर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर 10-10 युवाओं की एक कमेटी बनाई जाएगी हर एक जिले में, जो रिपोर्ट करेंगे सीधे सपा मुख्यालय को कि जिस तरीके जो खुफिया रिपोर्ट होगी उसको लेकर सपा कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको लेकर कई अहम बैठकें भी कर चुके हैं और लगातार बैठक कर भी रहे हैं। अविनाश, अगर बात करें मैनपुरी सीट के लिए, तो हमने देखा था कि सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और ये एक चर्चित सीट भी रही है उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए। ऐसे में किस तरह का मॉडल जो है मैनपुरी में अपनाया गया था और उस मॉडल से किस तरह समानता होते हुए ये जो लोकसभा चुनाव होंगे और इसमें बताया जा रहा है कि कोर कमेटी बनाई जाएगी, ये किस तरह से काम करेगी? क्योंकि मैनपुरी सीट में जिस तरह के दिग्गजों को सपा ने उतारा था और जिस तरह से बीजेपी और अन्य दल के सामने भिड़ंत थी, ऐसे में सपा ने इस सीट को आराम से जीत लिया था। तो क्या अब उसी के तर्ज पर आने वाले जितने भी चुनाव होंगे लोकसभा के और बाकी जो अन्य चुनाव होंगे, सीट के तहत ही जो सपा है वैसे ही चुनाव कराएगी? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से हार मिली थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव साथ में आए और जिस तरीके से मैनपुरी का जो लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें डिंपल यादव भारी बड़ी बहुमत से जीती थी, उसमें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो रणनीति थी उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव साथ में थे, तो एक नया प्लान और एक नई जोश था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर। जिस तरीके से मैनपुरी जो सीट थी उसमें बड़ी बहुमत मिली थी, एक बड़ी जीत मिली थी, तो इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उसी जीत को दोहराते हुए
उत्तर प्रदेश के जो 80 सीटें हैं उस पर उसी प्लान और उसी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। और अखिलेश यादव ने इसका ऐलान भी कर दिया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या बड़े नेता हो या कोई जो भी दिग्गज नेता है लगातार रणनीति बना रहे हैं और बैठक कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी जीत हासिल करेगी, इसको लेकर लगातार बैठक चल रही है। जी अविनाश, धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा कोर कमेटी की टीम बनेगी। और आपको बता दें कि हर लोकसभा क्षेत्र में 10-10 युवाओं की कोर कमेटी बनाई जाएगी, जो सीधे प्रत्याशी और प्रदेश मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।